बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात को सिस्टर ने बर्तन धो लिए थे और वो अपने घर चली गई। फाइनली रात रही थी तो हम आपसे मिलते हैं सुबह। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं और कायनात रात को जो गेस्ट आए थे खाना वाना खा के वो चले गए थे। किस लिए आए थे? ऐसे ही चक्कर लगाने आए थे। और यहाँ पर मैं और कायनात जो है बर्तन सेट करें, क्योंकि माशाल्लाह मेरी अम्मी के घर सारा ही बर्तन जो है शीशों के हैं। और ये शोकेस मैंने फ़ाइनली बना लिया, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे शीशे के बर्तनों की बात ही अलग है। और नीचे हमने डिनर सेट रखे हुए हैं, इसका एक शीशा टूट गया था, अभी बाबा दोनों जोड़ के लगा लेंगे। और यहाँ पर हमारा कमरा साफ़ हो गया है, कायनात ने मैट वगैरह डाल दिए हैं। कल भी घर साफ़ किया था और आज भी घर साफ़ किया है। तो यहाँ पर ये एक कमरा साफ़ हो चुका है, तो चलिए बाबा कमरे में चलते हैं। और बाबा के कमरे में ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है, कि जो कि बाबा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट किया है। और बाबा का जो है कमरा भी साफ़ सुथरा हो गया है। और ये डॉल है वो कायनात की है। तो बाबा कमरे में इस तरीके के पर्दे लगे हुए हैं और छोटा सा बेड और अलमारी है। मेरे बाबा घर में तीन ही कमरे हैं, दो कमरे ये थे और ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है। तो कायनात बाहर की सफाई कर रही है और देख सकते हैं काफ़ी कचरा था। रात को हमने बर्तन मेरी बहन ने धो लिए थे और किचन भी हम दोनों ने, मैं और कायनात ने साफ़ कर लिया। क्योंकि मैं जब तक इनके सर पे खड़ी ना हूँ जिया या कायनात के, तो ये दोनों काम नहीं करते। कायनात तो फिर भी मान लेती है बात, जिया नहीं मानती, जिया बहुत ज़िद्दी है। तो मेरी यहाँ पर हो रही थी 4 बजे के करीब तबीयत ख़राब, मेरे सर में बहुत दर्द था और जिया के भी था। बीपी मेरे ख्याल से लो था कि हाई, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हम जा रहे हैं बीपी चेक करवाने, यहाँ पर फाइनली हम मेडिकल पे जा रहे हैं। अम्मी भी बेचारी जा रही है, अम्मी बहुत, हम लोग अम्मी के लिए आए थे, अम्मी की अचानक तबीयत ख़राब थी। अम्मी बेचारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही यहाँ वहाँ हमारे साथ जाती है और थक भी जाती है। बाबा बस कहते हैं मैं पैसे दिया करूँगा और अम्मी जाया करेगी। तो यहाँ पर मेडिकल में हमने बीपी वगैरह चेक करवाया और बीपी चेक करवाने के बाद जो है उसने कुछ मेडिसिन दी और बुखार का सिरप दिया। तो अभी हम यहाँ से सामान वामान लेके बेकरी चलते हैं। और फाइनली हम बेकरी आ गए हैं। तो मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि कल मैंने बहुत सारा खाना बनाया था मेहमानों के लिए, क्योंकि अम्मी ने कहा था बेटा तुम बनाना, मैं बनाती हूँ तो मेरा दिल नहीं करता खाने का। तो कल का खाना मैंने ही बनाया था, जैसे कि आपने नेक्स्ट पहली वीडियो में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बेकरी है, बहुत प्यारी, और यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है बेकरी में। तो क्रीम रोल तो मुझे बहुत पसंद है, अम्मी ने नहीं लेने दिया, मैंने कहा तबीयत ख़राब नहीं है। वैसे मुझे कुछ सर में दर्द था और यहाँ पर हमने ली दही बाबा के लिए, क्योंकि बाबा का लस्सी पीने का दिल कर रहा था। तो यहाँ से हम दही लेंगे और अम्मी के हाथ में देखो शापर है दवाइयों की। तो यहाँ पर सामने 7 जूस वाला बहुत अच्छा था, इनके वालिद फोत हो गए थे। आप इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें मगफिरत दे और जन्नत में जगह दे। तो यहाँ पर हम घर जा रहे हैं और हमारे गली की जो अम्मी की गली के मशहूर चिप्स बादशाह की चिप्स है, इसको बादशाह की चिप्स कहा जाता है। तो अभी तैयारी हो रही है, ये 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चिप्स बनाता है। ये है कायनात और अरुण का स्कूल, ये अकेडमी भी है, ट्यूशन भी है, हॉस्टल भी है, मतलब यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। 10th तक क्लासें हैं। तो सामने हमारी गली है और ये लच्छे वाला जो है रोज़ शाम को खड़ा होता है और जिया यहाँ से लच्छे लेगी और फिर ये घर जाएगी। ये हमारी गली है, आजी गुल मोहम्मद स्ट्रीट सिटी 10 टाउन गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर हम अपने घर जाएंगे और जिया जो है अन्नम वालों का, बेचारियों का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से मार के जाएगी। और क्या नाम है, अभी हम जा रहे हैं घर, घर पहुँच चुके हैं। ये हमारी गली है, तो ये हमारे बाबा के घर का दरवाज़ा है। तो खोल नहीं रहे थे तो मैंने भी बजाना शुरू कर दिया, तो फाइनली इन लोगों ने जो है दरवाज़ा खोल लिया। और यहाँ पर हारून को शाम को अचानक ही बुखार हुआ, बहुत तेज़ बुखार हुआ उसको। उसको गलों का बुखार था, क्योंकि जैसे आपको पता है गलों का, आंखों का और पेट का वायरस चल रहा है, तो आप लोग एहतियात कीजिएगा। तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई, वॉमिटिंग बंद नहीं हुई, तो अम्मी मुझे लेके जा रही थी डॉक्टर के पास, हारून को भी लेके जा रही थी, क्योंकि उसका बुखार बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा था। हमने पट्टियाँ भी रखी तो उसका बुखार कम नहीं हुआ, तो और जवेरिया तो हमारे साथ हर जगह जाती रहती है। तो यहाँ पर हमने रक्षा लिया और अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। तो हमारी जो शहर है ना यहाँ पर, तो ये
खुला रहता है, रौनक ही रहती है। अम्मी वाले जो है मेन सिटी शहर एरिए में रहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा ही जाएंगे तो रक्षा वाले ने 100-150 ले लिए थे, क्योंकि मैं पैदल बिल्कुल नहीं चल सकती थी। ये क्लिनिक है न्यू अमान मेडिकल स्टोर, जहाँ पर मैं आई और अम्मी वाले भी यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए चलिए डॉक्टर को दिखाते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। देखते हैं हारून आया है या नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर अम्मी वाले अक्सर आते रहते हैं, और डॉक्टर भी ये बहुत पुराने हैं, पहले कहीं और इनकी क्लिनिक थी, अब यहाँ आ चुकी है। तो ये है डॉक्टर अमान, और यहाँ पर हमसे पहले हारून बैठे हुए थे। हारून अपनी तकलीफ़ बयान कर रहे थे कि उसे क्या तकलीफ़ है, किस चीज़ का बुखार है। तो उसके गलों में भी बहुत दर्द था, वैसे ये परहेज़ नहीं करता, खट्टी चीज़ें वगैरह खाता है जैसे चाट रोल बिरयानी वगैरह, तो इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब होती है। तो इसको भैया अपने साथ लेके आया, भैया जो है नादिर चाचू का बेटा है, और ये मोटरसाइकिल पे आया, मैं रक्षे में आया, क्योंकि ये भी पैदल नहीं चल सक रहा था। और यहाँ पर मैंने अपना बीपी चेक करवाया, डॉक्टर बीपी चेक कर रहे थे, तो बीपी चेक करते करते जो है क्या कहते हैं डॉक्टर, तो बीपी मेरा बहुत लो था, और डॉक्टर ने कहा आपकी पेट में भी दर्द है, वोमिटिंग भी बंद नहीं हो रही, तो आपको एक छोटी सी ड्रिप लगाएंगे, अगर ड्रिप से असर नहीं सही हुआ तो कल इंशाल्लाह फिर दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पर मैं बैठ के ड्रिप लगवा रही थी, क्योंकि मैंने पहली बार इस तरह सरिंज वाली ड्रिप लगाई है, कोई और पेशेंट लेटर जगह नहीं थी। और हमारी अम्मी बेचारी बिल्कुल ही थक चुकी है हमारे लिए, अल्लाह मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, बहुत लंबी ज़िंदगी दे। और यहाँ पर जो है मेरी ड्रिप जो है ख़त्म होने वाली, छोटी सी ड्रिप है और बिल्कुल स्लो लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, मुझे रिएक्शन कर जाती है तेज़ ड्रिप जब मैं लगाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मेरी ड्रिप हो गई है ख़त्म, और दर्द काफ़ी हो रहा, भाई का हाथ बहुत ही भारी था। तो ड्रिप ख़त्म हुई, दवाइयाँ वगैरह हमने ली, और यहाँ पर अम्मी ने कहा कुछ बनाना खा लो ताकि पेट का दर्द सही हो जाएगा, और यहाँ से जाते हुए हम दही वगैरह भी ले लेंगे। तो इस रेडी में हमें बनाना सही नहीं लगे, तो हम आगे वाली में गए, तो आगे वाली में ज़्यादा फ्रेश बनानास पड़े हुए थे, तो यहाँ पर अम्मी ने मुझे बनानास लेके दिए कि रस्ते में ही तुमने खा लेना है, घर जाके खाना, डॉक्टर ने फ़िलहाल मना किया है कि खाना नहीं खाना, जब तक पेट का दर्द सही नहीं होगा आप ब्रेड वगैरह खा सकती हैं। तो यहाँ पर जिया को गर्म गर्म मूँगफली नज़र आई, और जिया ने 50 रुपये की ली, अम्मी से चुप के ले रहे थे क्योंकि अम्मी को यूरिक एसिड है, उसकी वजह से मूँगफली अम्मी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और जिया को मैंने ताकीद की थी कि चुप के खाना अम्मी से। तो यहाँ और अभी हम जो है रक्षा लेंगे, और रक्षे में बैठेंगे और घर जाएंगे, सारा काम वगैरह हो गया, ट्रिप भी लगी, और मुझसे खड़ा बिल्कुल नहीं हुआ जा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होगी, और मेरे लिए और अरुण के लिए दुआ कीजिएगा कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। और रक्षे वाले ने हमें किराया भी बताया 100-150। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, और हम रक्षे में बैठ चुके हैं, घर जाते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।